अब जो है वो एक और चीज हमारे पास आती है, तो आप पूछ रहे होंगे कि सर वो आप क्यों नहीं करवा रहे, तो आती है वो है कि मेजरिंग एंथैल्पी चेंजेस विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं, डेल्टा एच क्या है, कैलोरीमीटर कुछ और होता है, कैलोरीमीटर कुछ और, कैलोरीमीटर कलर बताता है, ये कलर नहीं बताता, ये कैलोरी बताता है, ये कैलोरीमीटर है। इसका डिफरेंस जो है वो आपको बता देते हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर का वैसे आपकी केमिस्ट्री में इतना दिक्कत भी नहीं है, बहुत काम करते हैं, छोटी छोटी नहीं होता, ये कैलोरीमीटर है। और कैलोरीमीटर का जो डायग्राम है वो आपको क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें शो किया, वो बेसिकली क्या होता है कि नीचे फ्लेम लगी हुई होती है, ऊपर कुछ ट्राइपॉड की कुछ लिक्विड पड़ा हुआ होगा, उसको वो बर्न कर रहा होगा, ऊपर अंदर उसके थर्मामीटर पड़ा हुआ होगा, इस किस्म का इस्तेमाल हो सकती है। और ये ऑफ रिकॉर्ड बात है, इसको ओवर मत कीजिएगा, कि डेल्टा एच फाइन करने के लिए एक और इक्वेशन भी इस्तेमाल की जाती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू ओवर एन, ठीक है। फिर क्यू इज दिस एनर्जी एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम इसी फेजिंग से बात भी यूज क्योंकि एन नंबर ऑफ मोल्स और क्यू एनर्जी, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हमेशा शायद ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जिसने आपके पास किया तो क्यू ना हो या एन ना हो, तो ये बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो तरीका मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि आप किस तरह उसको प्लान करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिकल जो है वो भी प्रेजेंट है आपके पास, आपको प्रोवाइडेड है, तो वो जो है वो आप उसी तरह करें वैसे करें, क्योंकि वो आपके लिए आसान होगा और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ना वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, उधर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली जो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू ओवर एन है, ये वाली इक्वेशन जो है इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। कहीं आपको लगता है कि यार यहाँ पे यूज हो सकती है तो कर लें, वरना इसको यूज ना करें। मैं जब टॉपिकल करवाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि आप जो है वो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। अब कैलोरी मीटर के बारे में अगर मैं कुछ और बातें करूं तो देखें एक्सपेरिमेंट्स एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए आप है वो क्या कर सकते हो, आप एक तो ये वाली इक्वेशन जो डेल्टा एच इक्वल टू क्यू ओवर एन फाइंड कर सकते हो। कैसे आप फाइंड करेंगे, देखें आप इस तरह फाइंड करेंगे, चलें डेल्टा एच इक्वल टू एम सी डेल्टा टी की बात करते हैं, क्यू ओवर एन को भूल जाता, ठीक है। देखें क्यू डेल्टा एच जो है इट इज द हीट लॉस और गेन जो कि जूल में होगी, एम विल बी द मास ऑफ द वाटर इन द कंबस्टन रिएक्शन और सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में जिस चीज का मास है या उसमें कंबस्टन जिस चीज की हो रही है उसकी होगी जो ग्राम में होगा, ठीक है। सी विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, उस लिक्विड की नहीं लेनी चाहिए जिसने अल्कोहल डाला हुआ है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, वाटर की लेनी है जो कि 4.18 है, और डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो इस तरह आप सारी वैल्यूज पुट करके करेंगे। एक टेबल जो है वो नोट्स में प्रेजेंट है मेरे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एक कैलोरी मीटर का बेसिक सा डायग्राम है कि भाई इस किस्म का होता है, मिक्सचर रिएक्शन है पॉलीस्टीरीन का, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है वो उसकी भी बात हुई है और डेल्टा एच कंबस्टन की भी, कि स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि डेल्टा एच इक्वल्स टू एम सी फाइंड मोल ऑफ वाटर फॉर्म एंड देन फाइंड द एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड एंड देन कैलकुलेट एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न इन डेल्टा एच कंबस्टन। तो ये जो है ये इस तरह का आपने इसको देखना है, ठीक हो गया। तो इसके क्वेश्चन जो है वो टॉपिकल में करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा।